वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे पास रिसेंटली कमेंट आया था इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और उन्होंने पूछा था क्या इस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मैंने काफ़ी टाइम पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो आज एक मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, जैसा कि इसका नाम आपके सामने MPS इन्फो टेक्निक लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है करीब 1.15 रुपीज़ है, और इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है करीब 4.17% डे लो पे हुई है। तो आपके सामने एक पैनी शेयर है। अब एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर टिकर टाइप पे आए हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंस को। तो फाइनेंस में आप देखोगे इसके जो रिवेन्यू की ग्रोथ रेट है लास्ट के 5 ईयर के अंदर करीब -72.32% के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री की 8.75% के आसपास ग्रोथ रेट है। मतलब ये कंपनी की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और मार्केट शेयर भी इसका डिक्रीज़ हुआ है लास्ट के 5 ईयर के अंदर। अब इसके रिवेन्यू की बात करते हैं, जैसा कि आपके सामने 2018, 2019, 2020 और 2021। अब इसका ना हर साल आप देखो रिवेन्यू लगातार कमी आ रही है, और 2021 के फाइनेंशियल की बात करते हैं, सिर्फ 50 लाख के आसपास इसका टोटल रिवेन्यू रह गया है। अब बात करते हैं इसकी नेट इनकम की, जैसा कि आपके सामने है, इसका सिर्फ 2018 में ये कंपनी प्रॉफिट में आई थी, उसके बाद लगातार लॉस में जा रही है। और आप देखोगे इस कंपनी का जो रिवेन्यू सिर्फ 50 लाख है, और इसका जो लॉस है वो करीब 5.5 करोड़ के आसपास है, 5.43 करोड़ के आसपास इसको घाटा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ऐसे किसी भी कंपनी में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं इसका, जैसा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। तो इसमें जो मैक्सिमम होल्डिंग आप देखोगे 20% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर के पास है, पर इसमें भी एक है ना, आप देखोगे इसमें से प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार कम कर रहा है। आज के टाइम में प्रमोटर के पास 20% के आसपास होल्डिंग है, उसमें से 9.41% होल्डिंग प्रमोटर ने अपनी गिरवी रखी हुई है। अब DI की भी कुछ खास होल्डिंग नहीं है, और FI की भी कोई होल्डिंग नहीं, और मैक्सिमम होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है। इसमें देखोगे ना करीब 33% होल्डिंग हमारी अदर पार्टी है, और 46% होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो मुश्किल आप 50 या 60 रुपये तक लगाओ, इससे ऊपर मत लगाओ, क्योंकि इसका मुझे लगता कुछ हो सकता है। तो कोई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना, कंपनी कुछ नहीं पता, ये फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कोई और कंपनी से अगर टेक ओवर कर लेगी उस कंडीशन में ही इसका कुछ हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि इसका फ्यूचर में कुछ भी आपको कोई अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की, इसका नाम है श्री रेणुका सुगर लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 41.25 रुपीज़ है, और आज के दिन में अच्छी खासा इसमें मूव आया, करीब 8.70% इसने डे हाई पे अपनी डे की क्लोजिंग दी है। अब एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, जैसा कि आपके सामने है। हम फाइनेंस के ऊपर आते हैं। अब फाइनेंस में आप देखोगे इसकी जो इंडस्ट्री की रिवेन्यू ग्रोथ रेट है करीब -9.75% की ग्रोथ रेट है, जबकि सेक्टर की पॉजिटिव के अंदर 5.9%, और मार्केट शेयर भी इसका डिक्रीज हुआ है लास्ट के 5 ईयर के अंदर करीब 20% के आसपास। अब इसका रिवेन्यू की देखें तो रिवेन्यू इस कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 2018, 2019, 2020 में एक अच्छा खासा रिवेन्यू इनका बढ़ा था, पर 2021 के फाइनेंशियल में काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी, हम कोरोना इफेक्ट कह सकते हैं। पर अब बात करते हैं नेट इनकम की, पर इसमें देखो जो इसका फाइनेंशियल 2021 था, इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ था कंपेयर करोगे 2020 के फाइनेंशियल से, और 2020 का जो इनका प्रॉफिट था काफ़ी ज़्यादा था। मतलब आप देखोगे 2019 में करीब 1400 करोड़ का लॉस, और 2020 में करीब इस कंपनी ने 2000 करोड़ का प्रॉफिट। 2021 हम कंसिडर कर सकते हैं, कोरोना इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है इसके ऊपर। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब इसमें है ना जो एक आप कंसिडर कर सकते हो, मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर के पास 62% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब बात करते हैं इसमें, और म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, बेशक बहुत कम है, पर फिर भी म्यूचुअल फंड ने अपना इंटरेस्ट इस शेयर में शो किया, तो काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है किसी भी शेयर के लिए। अब DI की बात करते हैं, तो DI की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, पर DI ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग कम की है, आप देखो लगातार हर क्वार्टर में। अब बात करते हैं FI ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और बाकी जो होल्डिंग हमारी अदर पार्टी है रिटेल इन्वेस्टर के पास। और इसमें जो हमें देखना चाहिए, एक तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, और एक है कि जो शुगर इंडस्ट्री है ना, इसका आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब इस शेयर में आपने बाय करना, इसके लिए हम एक बार इसका लेवल देख लेते हैं। अब
जैसे कि अभी के टाइम में अच्छा खासा पीक आया, अगर अभी कोई इसे बाय करेगा तो करीब 40 रुपीज़ के SL के साथ ही इसे बाय करना। जैसा कि अभी आपके सामने 41.25 पैसे है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो अभी के लिए कोई बाय करना चाहता है तो करीब 40 रुपीज़ के SL के साथ ही इसे बाय करना। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है इस शेयर में, तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर ट्रेड करना चाहते हो, अगर आपका 5 या 6 महीने का प्लान है, तो उस कंडीशन में जब ये शेयर आने वाले टाइम में कभी 30 रुपये के आसपास है तभी आपने लेना है। अभी जिनके पास शेयर है तो 40 रुपये का SL के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहता है तभी 40 रुपये का SL रख सकता है। पर अगर लॉन्ग टर्म का किसी का प्लान है 6 से लेके 7, 8 या 9 महीने या साल तक का, तो वो करीब 30 रुपये के आसपास अगर शेयर आपको मिले तभी आपको बाई करना चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की, इसका नाम है गायत्री प्रोजेक्ट। इसका जो करंट प्राइस है करीब 25.35 रुपीज़, और इसकी डे की क्लोजिंग 0.78% डे लो पे हुई है। तो एक बार इसके हम फंडामेंटल देखते हैं। जैसे फाइनेंस के ऊपर आए हम, तो फाइनेंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे एक अट्रैक्टिव लगेगा आपको इसका इंडस्ट्री की रिवेन्यू ग्रोथ रेट, जो लास्ट के 5 ईयर के अंदर 17.48% है, जबकि मार्केट शेयर इसका इंक्रीज हुआ है 0.67%। अब एक बार इसका देखते हैं रिवेन्यू बात करते हैं, 2018, 2019, 2020 और 2021 कंपेयर करोगे लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। अब नेट इनकम की बात करते हैं, कंपनी को फाइनेंशियल 2020 में 58 करोड़ का लॉस हुआ था, पर फाइनेंशियल 2021 में 43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें है ना, सबसे पहले आते प्रमोटर होल्डिंग, 41.27% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अगर आप देखोगे ना तो इसमें से है ना प्रमोटर ने करीब 40% होल्डिंग गिरवी रखी है, करीब सिर्फ 1% होल्डिंग प्रमोटर के पास एक्चुअल है। तो उसके बाद देखते हैं म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा निकाल लिया, ऐसे DI ने भी अपना पैसा निकाल लिया। FI की बात करते हैं, FI भी लगातार इसमें से अपना पैसा निकाले जा रहा है। बाकी जितना भी पैसा कम हो रहा है या जितने FI, DI, म्यूचुअल फंड जितने भी इससे बाहर निकल रहे हैं, वो सारा सेल्स घूम फिर के रिटेल इन्वेस्टर के पास जा रहा है। और रिसेंटली रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग इसमें बढ़ी है, और अक्सर जिस भी शेयर के अंदर रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ती है तो हमें हमेशा उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ स्लो होने के पूरे पूरे चांस है। इसके अपोजिट अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर हो और म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी होल्डिंग हो, DI की अच्छी होल्डिंग, FI की भी अच्छी खासी होल्डिंग हो, उस कंडीशन में हमें उस शेयर के ऊपर विचार करना चाहिए, हम उसे बाय कर सकते हैं। पर ऐसे किसी शेयर में जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग है ही नहीं, तो उसे हमें दूर रहना चाहिए। और इसके पास कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट भी नहीं है, कुछ एक छोटे मोटे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, उसके सारे कंपनी चल रही है। बात करते हैं इसके लेवल की, जैसा कि अभी का जो इसका प्राइस है, अभी का देखो इसने करीब 20 रुपये का एक लास्ट टाइम मार्केट क्रैश हुई थी, तो 20 रुपये का इसने एक डिप बनाया, करीब 20 रुपये के आसपास सपोर्ट किया। अभी का 25 रुपीज़ का सपोर्ट है, और ये काफ़ी टाइम से 25 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये शेयर आपके पास है तो सिंपल है कि अगर जो न्यू इन्वेस्टर है उसे बाय करना चाहता है, मैं तो मना करूँगा मत बाय करें, पर फिर भी किसी के पास ये शेयर है तो अभी 20 रुपीज़ के SL के साथ वो इसे ट्रेड कर सकता है।